और बुलेटिन में आपको बताएंगे पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो इंसाफ का बोलबाला करना होगा, इंसाफ ना हो तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। शाह महमूद कुरैशी ने सराय आलमगीर में हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब में कहा, इमरान खान मगरब की तरक्की की मिसाल हमेशा कानून की हुक्मरानी की वजह से देते हैं, इमरान खान सिर्फ कायदे आज़म को लीडर तस्लीम करते हैं। आलमगीर के बाशऊर लोगों से मुखातिब और उनसे दरखास्त करने आया है कि आओ मिलकर हम एक बेहतर और एक नए और खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखें। जब तक हम पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कायम नहीं करेंगे, पाकिस्तान हकीकी आजादी और कायद का और इकबाल का वो ख्वाब है वो हकीकत में तब्दील नहीं हो सकेगा। उनकी मुमलिकत फलाही मुमलिकत का निशान पेश करती है, जहां बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती है, जहां लोगों को सेहत की मुनासिब मुफ्त सहूलतें मिलती हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने इंसाफ का निजाम कायम किया। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है जीजी रोड पर रवा दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। बोल को वेलकम कहता हूं आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है ये मार्च की, तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।